नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड के नेचर व्लॉग के अंदर। तो दोस्तों, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम कोटी कनासर, जो कि एक विलेज ही है हमारी नज़र से, लेकिन यहाँ के माहौल के हिसाब से वो शहर भी है, जहाँ पर छोटी सी मार्केट है और लोकल लोगों की सारी डिमांड वहाँ से लगभग पूरी हो जाती है। तो लास्ट व्लॉग अपना कोटी का था, अभी हम नेक्स्ट व्लॉग बनाने जा रहे हैं भाई। कोटी के पास में एक बनिहाल वाटरफॉल है जो कि काफ़ी खूबसूरत है भाई, और प्रकृति नेचुरल वाटर जिसको बोलते हैं नेचुरल वाटर, वो है बहता हुआ, काफ़ी साफ पानी है क्रिस्टल की तरह। अब वो तो हमें वहाँ जाकर पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं है, ये सस्पेंस हमारे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। तो वीडियो को जो नेचर लवर है, पसंद करते हैं नेचर को, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही रहने वाली है, आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपको बता दूं, अभी हम पिछले जहां पर गाड़ी थी तो वहां से हमने लेफ़्ट टर्न लिया था। अगर वायर रोड हम आते हैं तो हमारा ये 15 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस रहता है, और जो एक कच्चा रास्ता है भाई, इतना बेदर्दी रास्ता मान लीजिए इसको, पथरीला रास्ता है, आपके टायर बचने बहुत मुश्किल है यहाँ पर। तो थोड़ा सा अपने गाड़ी के टायर मजबूत करके लेके आना, ताकि आपको रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए। तो दोस्तों, ऐसा है कि अभी जो ये रास्ता है, वहाँ से रोड से लेके जहाँ हमने पहुँचना है वाटरफॉल के पास, तो ये 5 किलोमीटर का दायरा बताया जा रहा है। और 5 किलोमीटर रास्ता अगर हम व्हीकल पे है तो पता नहीं चलता, लेकिन रास्ता इतना ख़राब है कि आप व्हीकल में हो या बाइक पे हो या पैदल हो तो आपको पता ही चलेगा। और ये देखिए भाई सब कितना साफ पानी है, और कहीं ना कहीं ये धारा भी उस वाटरफॉल तक ज़रूर जाती होगी भाई। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं, यहाँ पर है 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी हरियाणा की है भाई और एक गाड़ी इधर की है। तो मेरे ख्याल से आगे रास्ता है या नहीं है। ओ भाई, रास्ता देख सकते हो भाई, बिल्कुल कच्चा है और गाड़ी का जाना बिल्कुल रिस्की है, यहाँ पर कभी भी मिट्टी नीचे गिर सकती है। तो भाई आवाज़ आ रही है झरने की, यहाँ से गाड़ी तो नहीं जा सकती क्योंकि काफ़ी गहराई वाली ढलान है नीचे की तरफ। तो अपने पास है बाइक, तो इतना स्टंट तो हम कर ही सकते हैं यार। ओ भाई काफ़ी गहरी है भाई, और हो सकता है कैमरे में, एक्शन कैमरे में आपको ये गहरा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप आँखों से देखोगे तो इसकी गहराई नीचे की तरफ काफ़ी है। तो कैमरे की वजह से शायद आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली नहीं देख पा रहे, तो काफ़ी एंगल बनता। जो मेरे पीछे जो मेरा भाई बैठा, साथी बैठा, वो तो वही रास्ते में उतर लिया क्योंकि कहीं गिर ना जाए। तो भाई फाइनली अब जहाँ तक हमारी बाइक जा सकती थी हम लेकर आए, और भाई यहाँ एक आंटी है और शायद ये खाना बना रहे हैं। तो भाई काफ़ी बैग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, स्कूल के बच्चों के, हो सकता है कि पिकनिक पे बच्चे आए हुए हो स्कूल की तरफ से। तो दोस्तों बाइक यहीं तक जा सकती है, हमने पूछ लिया है आंटी जी से, और बाइक को लगा देते हैं हम यहीं पर। अब यहाँ से होगा हमारा पैदल सफ़र शुरू, और ये पैदल सफ़र जो रहेगा 200-300 मीटर का बोला जा रहा है। अभी तक तो ये सफ़र थोड़ा सा सही लग रहा है भाई, और बाकी पहाड़ों की वादियाँ, खूबसूरती प्रकृति का भंडार से भरा हुआ है भाई, चारों तरफ जहाँ नज़र जा रही है काफ़ी अच्छा माहौल है, और झरने की आवाज़ आ रही है। तो भाई ये है अपना बनिहाल वाटरफॉल्स, तो ये भाई से भी पूछ लिया है हमने, और एक भाई तो शायद झरने का सामना करके नहा धो के आ चुका है। और भाई ये पुराने टाइप के घर देख सकते हो आप, और ज़्यादा यहाँ पर घर नहीं है, और ये घर भी भाई कॉलोनी नहीं बोल सकते, ये जैसे खेतों में घर होते वैसे ही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और चलिए दिखाते हैं आपको आगे का रास्ता कैसा है माहौल। आवाज़ तो आ रही है भाई यहाँ से झरने की झंझनाहट की, और ये हमारे साथी हमें हाथ हिलाते हुए। तो भाई काफ़ी खड़ा रास्ता है, और ये देख सकते हो भाई नज़ारा, वाओ भाई जैसा सोचा था वैसा ही है, मतलब बिल्कुल यूनिक यार, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ठीक ठीक झरने।
सच में यार, जो गांव वाले लोगों ने बताया था झरना, उसी टाइप का लग रहा है मुझे। चलिए आपको यहाँ की आगे चल के खूबसूरती दिखाते हैं भाई, और काफ़ी अच्छा नज़ारा भाई सच में। वैसे आप पानी देख सकते हो भाई, शीशे की तरह बिल्कुल साफ़ है, और बच्चे की कलकलाहट चारों तरफ सुनाई दे रही है। और भाई झरने की फुहार यहाँ तक ठंडी ठंडी आ रही है बिल्कुल, और काफ़ी ठंडा पानी लग रहा है। चलिए अब हमारा हम व्लॉग शुरू करते हैं यहाँ से, और थोड़ी सी मस्ती करते हैं। तो दोस्तों, शूटिंग में जैसे मैं बिजी था, कुछ सिनेमैटिक शूट कर रहा था अंडर वाटर के, और जैसे ही मैंने कैमरे को ऊपर की तरफ किया, और भाई यहाँ देखा मैंने एक लड़की धूप सेक रही थी, और मैं डर गया था। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है अक्सर ऐसा। तो चलिए अब मज़ा लेते हैं अपने वाटरफॉल्स का, तो चलिए विद म्यूजिक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सच में दोस्तों, स्कूल के जो बच्चे थे ना, इन्होंने एडवेंचर को पूरा चार चांद लगा दिए, और यहाँ की जो सुंदरता थी ना वाटरफॉल की बढ़ा दी। और अक्सर ये बच्चे दिल्ली नहीं आते, बात की थी मैंने इनके टीचर से, तो आज इनका प्रोग्राम बन गया था, वरना यहाँ पर एक दो ही शख्स आते हैं। और लकली हम यहाँ पर पहुँचे, और हमें काफ़ी मज़ा आया भाई यहाँ पर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एडवेंचर भरा व्लॉग, नेचर व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। हमने यहाँ काफ़ी टाइम देर तक मस्ती की भाई, और सच में इस नेचर वाटरफॉल की सुंदरता के साथ हमारी रूह अंदर से तरोताज़ा महसूस करने लगी। और हाँ दोस्तों, सच में अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है और हमारी मेहनत रंग लेके आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपकी कोई भी झरने से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में कोई कमियां है, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें सजेशन दे सकते हो। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो हम उत्तराखंड के और भी काफ़ी अच्छी जगह जाने वाले हैं। अगर नहीं आ रही, तो हम अपना रास्ता बदल देंगे। तो अभी लग जो वीडियो देख रहे हैं, तो पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे।